हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत हेल्दी रेसिपी, वह है ओट्स की रेसिपी है। इसे हम बनाएंगे ओट्स से बहुत ही अच्छा इसका चीला। इन्हें कैसे बनाना है मैं बताती हूँ। हमने ले लिया है कुछ वेजिटेबल सब्जियाँ जिसे हमने बारीक कट कर लिए हैं। ये हमने ले लिया है ओट्स, इसे हम 1 कप ओट्स ले लिए हैं। अब इसमें हम पानी मिला करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं ताकि अच्छे से ओट्स हमारे 2 मिनट हो गए फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालते हैं 1/2 कटोरी सूजी, बारीक वाली सूजी है फ्रेंड्स। आप इस सूजी के जगह आप बेसन का भी यूज कर सकते हैं। और अच्छे से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालते हैं 1 प्याज बारीक कटा हुआ। इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ गाजर। बहुत सारी इसमें हम सब्जियां डाल रहे हैं ताकि हमारी बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो फ्रेंड्स। अब इसमें हम डाल रहे हैं शिमला मिर्च जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर डाल रहे हैं फ्रेंड्स, इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च। और इसमें हम डाल रहे हैं फ्रेश धनिया, इसको भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ओट्स में। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा पानी। तो इसमें लगभग हमने 1 कटोरी पानी अभी ऐड किया है, जिस कटोरी से हमने कप से लिया है ओट्स। कुछ मसाले फ्रेंड्स, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर देते हैं। तो इसमें 1 टीस्पून हमने नमक ऐड कर दिए हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हम डालते हैं हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा हमारे चीले का कलर आता है। अब इसमें हम डाल लेते हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, से कभी चटपटा हमारा ओट्स चीला बन के तैयार होगा। इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम और पानी फ्रेंड्स ऐड करेंगे, ये काफ़ी थिक है। अभी ने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उधर हम पैन अपने गर्म कर रहे हैं चीला बनाने के लिए। हमें इस तरह का इसका बैटर चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। पैन को हमने गर्म कर लिया। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें जो ओट्स जो हम बनाए हैं इसमें इसको ऐड करेंगे। इसमें बनाने से फ्रेंड्स ये फायदा है कि हमें एक बराबर चीला जो है बन जाता है। इसको 4 मिनट तक हम फ्रेंड्स इसको ढक देंगे लिड से। फ्रेंड्स देखिए, 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सीख रहे हैं। हमें इन्हें 2 मिनट तक और सीख लेना है। अब इसको हम पलटेंगे दूसरी तरफ। 4 मिनट फ्रेंड्स हो गए हैं, अब चेक कर लेते हैं कि पके हैं कि नहीं। इनको हम चारों तरफ से देख लेते हैं स्पैचुला की हेल्प से। सीख चुके हैं फ्रेंड्स। अब इसको धीरे से हमें पलट लेना है दोनों साइड अच्छे से।
तो देखिए कितना अच्छा इसका फ्रेंच कलर आया है। ऐसे भी हम इधर 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे अच्छे से। इसके लो फ्लेम पे फ्रेंच हम बना रहे हैं इस चीले को। फ्रेंच 2 मिनट हो गए हैं, इधर भी हमारे अच्छे से सीख गया है। हम चेक कर लेते हैं, इधर भी सीख गया है चीला। अब इसको हम निकालते हैं प्लेट में। इसको हम फैला लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे ओट्स के चीला बनके बिल्कुल है तैयार। देखिए कितना जल्दी और कितना इजी वे में बन गया है और बहुत ही टेस्टी है। इसे आप दही के साथ खाए या टमाटो केचप के साथ खाए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। हम तो इसे दही के साथ खाना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आई हो आपको पसंद, तो इस रेसिपी को आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिए और अपने बच्चों के लिए जरूर ये हेल्दी ओट्स का नाश्ता बना के दे। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है इसलिए आप तक पहुंचे। फिर मैं आपके लिए एक हेल्दी नाश्ता लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।